राकेश एक शहर के बहुत बड़े कंपनी में मैनेजर का काम कर रहा था। उसके माता पिता राकेश की शादी करने के लिए पूरे एक साल से उसके लिए लड़कियां ढूंढने के काम में लगे थे, लेकिन राकेश को कोई भी लड़की पसंद नहीं आती थी, क्योंकि राकेश को सारे गुण और बहुत ही खूबसूरत लड़की चाहिए थी, जो कि उसको नहीं मिलती थी। जितने भी लड़कियों को उसके माता पिता देखते, कोई न कोई बहाना बनाता और उनसे शादी के लिए इनकार कर दिया करता था। ऐसे ही बहुत समय गुजर गया था। ये सब कर करके राकेश के माता पिता थक चुके थे। सुनो राकेश, हमें पता चला है कि हमारी ही पहचान की एक लड़की है, लेकिन दूसरे शहर जाना पड़ेगा हमें। याद रखना राकेश, तेरे साथ जाने वाला यही आखिरी रिश्ता है। इसके बाद हम कहीं भी तेरे साथ लड़की देखने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि तुझे तो कोई लड़की पसंद आती ही नहीं है। अब तेरे लिए रिश्ते ढूंढ ढूंढ के हम तो थक चुके हैं। तेरे साथ इधर उधर घूमने का हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है और ताकत तो बिल्कुल नहीं है। इस तरह राकेश के माता पिता राकेश को ये सब कहते हैं और फिर दूसरे शहर जाकर उस लड़की को देखते हैं। उनकी नसीब बहुत अच्छी थी, क्योंकि प्रिया उन सभी लोगों को बहुत पसंद आई थी और राकेश भी प्रिया को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा। खूबसूरती के साथ साथ प्रिया बहुत होशियार और समझदार लड़की थी, जिससे उन लोगों ने बिल्कुल देर नहीं की थी, उन दोनों की शादी करवा दी थी। देखने वाले सारे लोग यही कहने लगे कि प्रिया और राकेश की जोड़ी तो बहुत ही सुंदर जोड़ी है, रब ने इनको एक दूसरे के लिए ही बनाया होगा। शादी के बाद राकेश और प्रिया मिलकर ऊटी जाते हैं। प्रिया, I'm so lucky क्योंकि तुम मुझे मिली। सच में मैं बहुत खुशनसीब हूँ। तुम्हें ऐसे ही देखता रहूँ ना तो पता ही नहीं चलता कि सारा वक्त कैसे गुजर जाता है। अरे अभी बस भी कीजिए ना, आपने बहुत तारीफ कर ली मेरी। अगर इतनी तारीफ करेंगे तो मुझे शर्म आएगी ना, लेकिन सच तो ये है कि खुशनसीब तो मैं हूँ, क्योंकि इतना प्यार करने वाला हस्बैंड जो मुझे मिला है। प्रिया और राकेश के शादी के बाद ही वो लोग शहर में एक बहुत बड़ा और सुंदर सा फ्लैट खरीद लेते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। उनकी शादी की जिंदगी बहुत ही खूबसूरत सी थी। राकेश और प्रिया दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा सा समय बिताया करते थे। राकेश रोजाना ऑफिस से जल्दी आता और फिर दोनों मिलकर रेस्टोरेंट या फिर मूवीज पर और पार्क वगैरह पर भी घूमा करते थे, जिससे उन लोगों को समय ही नहीं मिलता था। वो दोनों अपनी शादी की जिंदगी में बहुत खुश रहते थे। देखते ही देखते एक साल गुजर गया था। एक दिन की बात है कि प्रिया जब राकेश ऑफिस में था उसे कॉल करती है। हेलो, क्या बात है प्रिया? ऑफिस के टाइम में तुम मुझे कॉल करके बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती, कुछ अर्जेंट है क्या? हाँ वो अर्जेंट तो नहीं है, लेकिन आपके लिए एक सरप्राइज है। हो सके तो इवनिंग थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। अच्छा, लेकिन कैसा सरप्राइज? अरे बाबा बताऊंगी ना, पहले आप घर तो आओ। ठीक है, मैं रखती हूँ, बाय। उस दिन शाम को राकेश अपने बॉस से कह देता है कि वो आज थोड़ा जल्दी घर के लिए चला जाएगा। जैसे राकेश हर दिन घर बहुत खुशी से जाता था, उससे दो तीन गुना ज्यादा खुशी से वो घर पहुंचता है। कॉलिंग बेल बजाने ही वाला था कि उसने देखा घर का दरवाजा तो पहले से ही खुला है। वो बहुत ही सरप्राइज्ड होकर घर के अंदर जाता है। आज मेरा बर्थडे भी नहीं है, लेकिन वाओ, इतना सब कुछ सेलिब्रेशन किस लिए प्रिया, जल्दी बता दो। ये सब इसलिए है क्योंकि आज के बाद आपका इंतजार करने के लिए मेरे साथ देने वाला कोई आने वाला है। हाँ, एक छोटा सा और प्यारा सा बच्चा आने वाला है। क्या, क्या तुम सच कह रही हो? अरे वाह प्रिया, ये तो बहुत अच्छी खबर है मेरे लिए, और ये तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज है प्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन बेटे की जगह अगर प्यारी सी बेटी आ जाए ना, तो मुझे और भी खुशी होगी प्रिया। ये सब देखकर प्रिया की खुशी की तो कोई सीमा नहीं थी। जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी तभी से वो अपना डाइट प्लान फॉलो करने लगी
और उसको कैसे एक्सरसाइजेस करने चाहिए, उसको कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये सारी छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखने लगी। और डॉक्टर के पास भी बिना मिस किए चेकअप के लिए जाया करती थी, क्योंकि प्रिया हमेशा यही कोशिश करती थी कि जो बच्चा उसके पेट में पल रहा है वो पूरा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। इसके लिए वो योगा और मेडिटेशन वगैरह भी किया करती थी। मन को शांत रखने के लिए संगीत सुनना और किताबें पढ़ने भी किया करती थी। धीरे धीरे राकेश अपनी पत्नी के अंदर आए बदलाव को देख रहा था। राकेश को ये महसूस होने लगा कि अब प्रिया उससे ज्यादा प्यार नहीं करती है, क्योंकि वो उसके लिए वक्त ही नहीं निकालती, हमेशा ही अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत बिजी रहती है, और ये सब राकेश को अच्छा नहीं लगता था। देखते ही देखते वक्त गुजरता गया। राकेश के ऑफिस में एक पार्टी थी जिसमें राकेश ने अपने साथ प्रिया को भी ले गया था। रोजी, देखा तूने, ये मैनेजर की वाइफ है, इसकी प्लेट में तो देख कितना खाना पड़ा है। ओह माय गॉड, इतना खाना कौन खाता है। अरे नैंसी, धीरे बात कर, अगर सुन लेंगे तो बुरा लगेगा उनको। अरे सुनेंगे भी तो क्या हो जाएगा, सच ही तो कह रही हूँ, मुझे तो बहुत डिस्गस्टिंग सा लग रहा है। कोई भी बंदा इतना खाना, स्पेशली लड़कियाँ इतना खाना कैसे खाती है। सर हमारे पीछे ही बैठे हैं। प्रिया वहाँ बैठकर बहुत ही शांति से और मन लगाकर अपना खाना खा रही थी। जो भी चीजें उसको पसंद आती थी वो ले लिया करती थी और मन लगाकर खा रही थी। लेकिन उन लोगों की बातें सुनकर राकेश को बुरा लगने लगा और उसने प्रिया से कहा कि बहुत अर्जेंटली उनको घर पहुंचना है। इतना कहकर वो अपनी पत्नी प्रिया को लेकर घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद प्रिया को उनके घर के आईने के पास लेकर जाता है। देखो अपने आप को कि कैसे लग रही हो। क्या हुआ राकेश, क्या बात है। अरे तुम प्रेग्नेंट हो, इसका मतलब ये नहीं कि जितना मन में आए खाती जाओ। देखा तुमने कि कितनी मोटी हो चुकी हो। प्रेगनेंसी में वेट गेन होना तो कॉमन होता है राकेश, और वैसे भी मैं रोजाना इतना खाना नहीं खाती हूँ, बल्कि मैं तो सोच समझ के खाती हूँ राकेश। अच्छा तो फिर पार्टी में तुमने ऐसा बर्ताव क्यों किया जैसे कि तुमने कभी पहले खाना ही नहीं खाया हो। रोजाना मेरे पास बहुत सारी चीजें होने के बावजूद मैं सिर्फ हेल्दी फूड ही लेती हूँ राकेश, और अपना पूरा ख्याल रखती हूँ। वो तो पार्टी में बहुत सारी मेरी फेवरेट आइटम्स थी जिससे मैंने एक दो चीजें ज्यादा खा ली, तो इसमें मेरी इतनी भी बड़ी क्या गलती है। क्या गलती है, गलती ही है। अपना खाना ना तुम थोड़ा कम कर दो, वरना और मोटी हो जाओगी प्रिया, और इतनी भी बिगड़ी हुई दिखोगी ना तो मैं तुम्हें ऐसे देख नहीं पाऊंगा। राकेश की कही बातों से प्रिया को बहुत ज्यादा दुख हुआ था। जिन चीजों से या फिर जिन हालात से वो अपने आप को और अपने होने वाले बच्चे को दूर रखना चाहती थी, अब वही सब कुछ उसकी जिंदगी में होने लगा। वो बहुत परेशान रहती थी, हमेशा कुछ न कुछ सोचती रहती थी जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। राकेश पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। प्रिया को यही लगता था कि राकेश की देखने की नजर और उससे बात करने का तरीका सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि राकेश भी कुछ ऐसा ही बर्ताव प्रिया के साथ करता था जो कि प्रिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे उनके हालात बदलते गए, उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गई। इस तरह कुछ समय बाद उन दोनों के बीच बातें भी बहुत कम हो गई थी। देखते ही देखते समय गुजर गया था। अब प्रिया को 7वां महीना आ गया था, वो अपने मायके चली जाती है। ऐसे कुछ दिन गुजर गए थे। एक दिन की बात है कि राकेश ऑफिस के लिए जा रहा था, लेकिन उसके बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। डॉक्टर्स ने कहा था कि अब पूरे 2 या 3 महीने तक राकेश को पूरी तरह बेड रेस्ट में रहना चाहिए, उसको आराम करना चाहिए, क्योंकि अभी ये चल नहीं पाएगा। जिससे राकेश के माता पिता उसको अपने घर लेकर चले जाते हैं और उसको पूरा आराम देते हैं। वो 3 महीने तक ऐसे ही बेड पर पड़ा रहता था और वक्त पे खाया पिया करता था, जिससे वो बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। और इधर प्रिया को भी उसके माता पिता अस्पताल पहुंचाते हैं और प्रिया को एक बहुत ही सुंदर सी बेटी होती है। सॉरी प्रिया, हो सके
तो मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया था प्रिया। शायद इसीलिए आज भगवान ने मेरे साथ ये सब कुछ करके मुझे सबक सिखाया है। प्लीज प्रिया, मुझे माफ कर दो। कहूँ ना, माफ करूँगी ना? वो तो आप अपनी बेटी से ही पूछ लीजिए। अरे मेरी बच्ची, ये तो मेरी जान है। बोल दे बेटा, तूने पापा को माफ किया? राकेश को अपने किए पर बहुत पछतावा था। उसको ये सब समझ आ गया था कि उसकी पत्नी जब गर्भवती थी तो इसका भी उसने ख्याल नहीं किया था, और पता नहीं उसको कैसी कैसी बातों से दुख पहुंचाया था। ये सब सोचकर वो अपने आप में बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है, और फिर उसको ये बात समझ आ जाती है कि उसकी पत्नी उसकी तरह बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो उससे बहुत प्यार करती है। ये बात राकेश को पता चलने के बाद वो उसको बहुत ज्यादा प्यार करने लगा। तब से उनकी जिंदगी फिर से पहले की तरह हो गई थी।